हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जी, आई एम रियली सॉरी, तन्नु की शादी के व्लॉग बहुत धीरे धीरे आ पा रहे हैं, पर क्या करूं, थोड़ा सा मतलब वीडियोस को कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, पर वो थ्रू आउट अभी आते रहेंगे, चलते रहेंगे। और मैं जो मेरे गाँव घूम कर आई थी, वो जर्नी भी उसी में कंटिन्यू रहेगी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके वो आ रहे हैं। और बट मीनवाइल होली आ गई, तो भाई होली तो मिस करना बनता नहीं है। आप लोगों के साथ होली तो मनानी मनानी थी, तो मैंने कहा चलिए आज होली का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज छोटी होली है और आज मैंने मेरे लड्डू गोपाल को इतना सुंदर तैयार करा है। वैसे तो मैं कौन होती हूँ उन्हें तैयार करने वाली, वो खुद इतने क्यूट, इतने गोलू मोलू लड्डू बाबू हैं मेरे। तो मैं उनके साथ आज फूलों वाली होली खेलने जा रही थी। मतलब फूलों वाली होली तो पहले हो जाती है, बट मैं छोटी होली के दिन भी फूलों से ही खेलती हूँ। और सिर्फ होली के दिन उनको, मेन होली जो होती है उसी दिन गुलाल लगाती हूँ, और वो गुलाल भी होममेड होता है। तो मैं वो गुलाल तो उनको कल ही लगाऊंगी। तो आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल का रूप दिखाती हूँ पहले, फिर फूलों वाली होली दिखाती हूँ। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होगा, आप लोग जरूर देखते रहना। आज मैं कान्हा को, अपने जो मेरे छोटू कान्हा है मेरा, उसको मैं आज होली वाली डेकोरेशन करके फोटो खींचने वाली हूँ। वैसे मैं उसकी अलग अलग थीम्स वगैरह की फोटो लेती रहती हूँ, पर मैं कभी व्लॉग नहीं बनाया उस चीज़ का। आज फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, क्योंकि पति देव आज खाली हैं एकदम, कतई वेले, वैसे वेले ही हैं, बिजी होने की एक्टिंग करते हैं, पर आज कुछ ज़्यादा ही वेले हैं। तो मैंने कहा आज तो मेरा व्लॉग बनाओ, और आज बहुत सारी चीज़ें हैं, दिन बहुत लंबा रहेगा। तो चलो पहले लड्डू गोपाल से मिलते हैं। तो जी, ये रहे हमारे लल्ला। राधे राधे। ओ, तुम जाग गए, जाग गए पतिदेव। तो ये उनके भूख के लिए मिठाई और ये फूल। और अब मैं अपने बाबू के साथ होली खेलूंगी। वैसे कैसे लग रहे हैं बताना, हमें तो बिल्कुल राजा लगते हैं ऐसे पोशाकों में। ये हमेशा ही राजा जैसे हैं, लगते क्या है, ऑल टाइम राजा है। कोई कपड़े पहना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लड्डू के ऊपर खेले ना। कोई सा भी कलर पहना लो, कपड़े नहीं, कोई सा भी कलर, लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ। पहले मैं लड्डू को मिठाई खिलाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, पहले पेट पूजा करते हैं छोटे बच्चे की। वैसे भी पीली मिठाई खाना को बहुत पसंद होती है। तो कैसे, देख पीली आई है। हाँ। अगले साल हमारा काना भी खेलेगा लड्डू के साथ होली। कहेगा मम्मी मैं, काना काना के साथ होली खेलेगा। मम्मी मैं। फूलों की खुशबू कितनी ज्यादा है ना, इतनी अच्छी खुशबू है इनमें। तो मैम साहब, कैसे हो आप? ज्यादा बड़ा हो गया बलून, ये फटा हुआ बार बार आ जाता है। ये आज कुछ नहीं करेगी, आज ही गुब्बारे फुलाएगी। गुब्बारे, मैं अपने बेटे की हैप्पी होली। ओए, हैप्पी होली। इसमें तो पानी नहीं है, पानी बनना पड़ेगा। हैप्पी होली। मुंह में बलून मारूंगा, मतलब पानी वाला बलून मारूंगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तुम्हारे जैसे बहुत लोग उनके पहले में बलून मार मार के है। हां, तुम जानती नहीं मेरे बारे में, बोलने हैप्पी होली, हैप्पी होली। बलून बुला लेंगे दोस्तों। आप ही बताओ, मेरा पति तो इतना बूढ़ा आदमी है, बच्चे के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है फोटो वोटो खींचने की। तो भाई मेरे को तो है, मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो हैप्पी होली, हैप्पी होली। और भाई लाल मेरे को गुब्बारे पानी वाले तो मैं लाई नहीं, घर में ये वाले पड़े हुए थे, और ये इतने बड़े बड़े फूल थे, मेरे को बड़ी दया आ रही है, इनको वेस्ट कर रही हूँ। तो भैया क्या चल रहा है, बाबू का मेकअप चल रहा है। काना है, धोती कुर्ता पहन रहा है क्या? ये मैं स्पेशली काना के लिए, वैसे भी काना को दिखा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ बस। दिखा लो, कोई बात नहीं। अच्छा, दिखा लो, क्या हो गया? बाद में दिखाएंगे जब काना कपड़े पहन लेगा पूरे, जब फाइनल लुक दिखाएंगे हम लोग अपने। काना, काना कह रहे अभी तो छोटा हूँ ना, अभी तो तुम लोग कैसी भी होली खिला लो, बड़े होके तुम्हें बताऊ ना, तो बोलूंगा मम्मू ये पिचकारी, वो पिचकारी। पिचकारी तो बेटा हम नहीं खरीदेंगे, अपनी बड़ी मम्मा से मंगवाना, ठीक है? हमने कोई नहीं भैया, हम खरीदेंगे नहीं भैया, खुद का तुम्हारे पटाखे तो मम्मी भेजती है, और तुम पिचकारी खरीदोगे, बात सुन लो। अरे ये मेरे को ना कल रास्ते में, मैं आ रही थी मार्केट से, और मुझे डिस्प्ले पे दिखा, और ये मुझे इतना पसंद आया कि ये इन्होंने मुझे दिलाया नहीं दोस्तों, ये पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं बाद में जाके अकेले जबरदस्ती लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं ला के रहेगी अपने बेटे के लिए। ओए थर्मल अंदर पहने रहना, हाँ ठंडा है थोड़ा, ठंड भी तो बचानी है भैया। अले 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 भाई।
कुर्ता पजामा तन के तैयार है क्या? सही आ गया, इससे छोटा होता अभी मैंने काने की शक्ल नहीं दिखाई। अभी मेरी मम्मी काजल लगाएगी, बाल बनाएगी, पापा थोड़े रुक जाओ। काना ना होली का ब्रिजवासी से ज्यादा बंगाली मुशाय लग रहे हैं। बाबू मुशाय लग रहे हैं, बाबू भालो भाषी। तुम्हें गुन्नू दीदी के भालो भाषी, गुन्नू दीदी बंगाली बोलती है कीकोची। वो गुन्नू का भाई रहता है ना बंगाल में, तो गुन्नू अपने भाई से सीख के आई थी कीकोची। अरे चलो तो तैयार कर लो तुम। हाँ मैं तैयार करती हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाती हूँ। और नीचे हम लोग सेटअप लगाने लग गए हैं। या, काना का सेटअप फुल। और आज इसके पापा को मैंने पूरा दबोच ही लिया कि कराओ मेरे साथ। वो गए मेरा बर्स्ट इसमें काजल। तो जी मुझे कोई डायलॉग चिपका रहा था, और खुद देखो अब खुद लगे पड़े हैं कलर्स निकालने। हाय बेबी कलर बड़े अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे फोन में। हमारी जुगाड़ देखो, कंबल अपने ओढ़ने के कंबल के ऊपर हमने मैट बिछा रखी, कलर तो अच्छे आएंगे। हाँ वही तो देखना कलर कितने सुंदर आ रहे हैं। बुक्का अबे बुक्का मैं बुक्कू है। आ जाओ ऊपर आओ, ऊपर आओ चढ़ के खड़े हो, चलो ऊपर है ना। मैं ना दो कलर लेने गई थी, लेकिन मेरे को ना ये कलर देख के भी इतना लालच आया। मैं आंटी सारे कलर जितने आपकी दुकान में ना सारे पैक कर दो। सात आठ कलर लाई हूँ शायद, मैं आठ लाई हूँ है ना। आशिक हूँ मैं ओ दीदार। किसका आशिक हो? मेरे काना का। यो बेबी ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा चमचा बनेगा। जाना। अरे तुम जाओ ना, जाना। घर में बेबी होता अलग ही दिखता है। झूला, झूले पे बिछोना, इस साइड हगीज, इस साइड ममार्थ, मदर स्पर्श, सारी ब्रांड है हमारे घर में। बेबी ओ पुद्दू आ गई। हैप्पी होली काना, हैप्पी होली भाई। तो जी हम लोग हो गए रेडी, और अब हम जा रहे हैं हमारे बाबू को होली पूजवाने। और शादी के बाद मैं भी आज पहली बार होली पूजने जा रही हूँ। पता नहीं क्या होता था, हमेशा कुछ ना कुछ इत्तेफाक से मैं जा ही नहीं पाती थी, पर शायद इसलिए क्योंकि भगवान जी चाहते थे कि पहले मेरे घर में भी ये छोटा सा प्रहलाद आ जाए, उनका लाडला आ जाए, उसके बाद ही जाऊंगी। और ये अभी स्प्रिंग की तरह इसके पैरों में स्प्रिंग लगी पड़ी है। और मुझे बताना मैं कैसा लग रहा हूँ, गाउन पहने मैंने बहुत मस्त। बाबू के लिए माला ले रहे हैं, कलर कौन सी माला? छोटी कह रहे हैं ये हमें खानी पड़ेगी माला, हमें खानी पड़ेगी। तो फिर छोटी ले लेती, तुम तक होगे नहीं। ये स्टील वाली बच्चों को पिचकारी कर सारी स्टील है। ले लो, कौन सी ले रहे हो? आ जाओ, कल पता मैं सारे कलर ले गई थी जिसमें थे। हां अच्छे हैं कलर। काना मम्मी पूजा कर रही है। बाबू में कर रहा भाई, जी अब बारी है इन दोनों बाप बेटों की। काना का हाथ लगवा दो, जय जय करो कान्हा। और अब शाम को ये लोग आएंगे यहाँ पे होली जलती हुई देखने के लिए। स्पेशली आज इनको सर जी को दिखाना है, घर से ऑर्डर हो रखा है जी। अब हम लोग जा रहे हैं होली देखने। आज हमारे यहाँ होली रात के 12 बजे के बाद जलेगी, क्योंकि मंगलवार है। और मीनवेल मेरा लड्डू गोपाल सो ही गया, मेरा बच्चा वेट करते करते उठा।
बस रोए ना देखना। तो अब इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट होली है तो इट्स कंपलसरी कि वो देखे इस होली को। तो अब हम फटाफट से बाहर निकलते हैं, देखते हैं अभी तैयारी हुई या नहीं हुई, क्योंकि टाइम तो आप देख ही सकते हैं ऊपर होने लगा। चलो होने लगा क्या, हो गया ऊपर 12:10 हो गया। चलिए हम निकलते हैं। अच्छा अलमारी टूट गई थी हमारी, फिर काना ये रहा, काना मुंडी मटका रहा है तेरा, मेरे को जगना नहीं था पापा, काना जगना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती जगाया इन्हें। देखो ये देखो काना इधर से होली देख रहा है, होली देखकर आ गए घर पे। और अब हम लोग आपसे मिलते हैं कल। आप सबको हमारी तरफ से बहुत 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 हैप्पी होली। अपनों का साथ दीजिए, फैमिलीज के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, बाहर मत जाइए होली के दिन, बहुत गंदा गंदा होता है और ऐसे दारू दारू वाला करके लोग घूम रहे होते हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लगता। और पक्के कलर से आए हो आप लोग, भी होली नहीं खेलने का प्लान कर रहे होंगे, हम भी नहीं खेलने वाले। काना की बहुत मतलब काना की पहली होली है तो बहुत अच्छे से मनाएंगे हम लोग कल। और अभी गर्मी लग रही है हम लोगों को, चेंज करके हम लोग सोते हो ड्रेस छोड़ेंगे नहीं निकलेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम कल। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी होली।